हेलो दोस्तों, आपका D70 क्लासेस में स्वागत है। आज हम यौगिकों में सिग्माबंध और पाईबंध निकालना सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर दो परमाणुओं के मध्य सिंगल बंध है तो एक सिग्माबंध, अगर दो परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड है तो एक सिग्माबंध तथा एक पाईबंध। अगर दो परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बंध है तो एक सिग्मा बंध तथा दो पाई बंध। अगर दो परमाणुओं के मध्य सिंगल बंध है तो एक सिग्मा बंध, दो परमाणुओं के मध्य डबल बंध है तो एक सिग्मा बंध एक पाई बंध, दो परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बंध है तो एक सिग्मा बंध दो पाई बंध। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। CH4, चलिए इसकी संरचना पहले बनाते हैं। तो देखिए, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बंध से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ सिग्मा बंध, यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बंध से जुड़े हुए हैं तो सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बंध से जुड़े हैं तो सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन सभी सिंगल बंध से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए एक एक सिग्मा बॉन्ड सबके लिए होगा। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। अगला एग्जांपल लेते हैं। इसमें देखते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो सिग्मा बॉन्ड, यहाँ कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो दो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बंध, क्योंकि हमने बताया था जब दो परमाणु ट्रिपल बंध से जुड़े हों तो एक सिग्मा बंध दो पाई बंध, तो यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बंध से जुड़े हुए हैं तो दो पाई बंध एक सिग्मा बंध, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बंध से हैं तो एक सिग्मा बंध, तो टोटल पाई सिग्मा बंध 3 सिग्मा बंध, और यहाँ टोटल पाई बंध कितने होंगे 2 पाई बंध। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। इसकी संरचना पहले बनाते हैं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो सिग्मा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एक सिग्मा दो पाई, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एक सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से तो एक सिग्मा, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एक सिग्मा और एक पाई, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं एक सिग्मा, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एक सिग्मा, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा बंध, और टोटल पाई बंध यहाँ 2 पाई बंध है और यहाँ एक, तो कितने हुए 3 पाई बंध। अगला एग्जाम्पल हम बेंजीन का लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा एग्जाम्पल और विस्तार से लेते हैं, तब थोड़ा समझ आएगा आपको। मतलब यहाँ जो पॉइंट है ये सब, ये यहाँ सब कार्बन है, तो देखते हैं इस इधर से देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बंध से जुड़े हुए हैं तो सिग्मा बंध, यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बंध से जुड़े हैं सिग्मा बॉन्ड, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो यहाँ सिग्मा बंध, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एक सिग्मा एक पाई बंध, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एक सिग्मा,
यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, एक सिग्मा। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एक सिग्मा। यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एक पाई, एक सिग्मा। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एक सिग्मा। यहाँ कार्बन कार्बन एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सिग्मा, एक सिग्मा। यहाँ कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एक पाई, एक सिग्मा। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन एक मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एक सिग्मा बंद। तो चलिए देखते हैं कितना सिग्मा बंद हुए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 सिग्मा बंद। और पाई बंदों की संख्या 1, 2, 3, 3 पाई बंद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आपको ये समझ आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।